देखिए हमारे पास थ्योरम है, देखिए ये हमारा फर्स्ट थ्योरम है। इस थ्योरम में अगर मैं बात कर लूँ, आपको जो है सफिशियंट कंडीशन की बात करेंगे इसमें, किसमें सफिशियंट कंडीशन। पहले हम लोग सफिशियंट कंडीशन में ही देखेंगे, उसके बाद नेसेसरी। ओके, पहले कहता है स्टेटमेंट, प्रूव द सफिशियंट कंडीशन फॉर डब्ल्यू बराबर में एफ ऑफ जेड टू आर रिप्रेजेंट अ कन्फॉर्मल। अभी हम जस्ट कुछ देर पहले, मतलब आपको जो है ये इससे पीछे वाले लेक्चर में हम जो है आपको इस पर डिस्कशन किए थे, कन्फॉर्मल मैपिंग पर। ये था कन्फॉर्मल मैपिंग, इस पर डिस्कशन किए थे, इसका डिफिनेशन देखे थे। तो आपको पहले कह सकता है डिफाइंड आपको कन्फॉर्मल मैपिंग, उसके बाद वो क्वेश्चन कह सकता है। ओके, तो चलिए, तो यहां पर हम लोग देख चुके थे कन्फॉर्मल मैपिंग। अब जो हम बात करेंगे इसका सफिशियंट कंडीशन के लिए, ये आपको रिप्रेजेंट करता है कन्फॉर्मल। चलिए, अब इसका एक चीज है, पहले तो स्टेटमेंट कहता है, तो मैं आपको क्या करता हूं यहां पर स्टेटमेंट लिख देता हूं, स्टेटमेंट। अब देखिए स्टेटमेंट हमें क्या लिखूं मैं, तो स्टेटमेंट कहता है कि लेट लेट द पॉइंट ऑफ डी। देखिए अपने को जो है यहां पर क्या कहता है वो सुन लीजिए, और एक चीज बात कर लूं, अगर ये आपको जो है स्टेटमेंट आपके एग्जाम में डायरेक्ट स्टेटमेंट में ये 2015 2017 डायरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछा, ना कि आपको ये स्टेट और सफिशियंट कंडीशन, मतलब ये प्रूफ करना, ये इफ वन टाइप का भी पूछा हुआ है, डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन के रूप में एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, कितना नंबर पे, तो सात सात नंबर का ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए लेट एफ ऑफ जेड, बोल दिया एफ ऑफ जेड एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन क्या, जो डिफरेंसिबिलिटी होता है, मतलब डिफरेंशियबल होता है। अब यहां पर रीजन दे चुका है डी, वो भी जेड प्लेन के लिए, जेड प्लेन, और एफ डैश जेड ये नॉट इक्वल टू जीरो है। क्या बोलती है भाई साहब, एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू जीरो इनसाइड डी, देन द यहां पर कहता है तब जो है मैपिंग जो होगा डब्ल्यू बराबर में एफ ऑफ जेड, ये क्या होगा आपको कन्फॉर्मल, कन्फॉर्मल, वो भी किस पे, एट पॉइंट डी पर। एक्चुअल में ये है क्या, तो सबसे पहले आपको इसको फिगर को पहले समझना पड़ेगा इसके लिए। तो देखिए ये समझिए, ये यही क्वेश्चन है, और एग्जाम में अगर आपको डायरेक्ट ये क्वेश्चन बनाना हो तो आपको क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के रूप में ये दे दिया गया हो, कौन ये, तो प्रूफ यही से करेंगे बिल्कुल। तो इसके लिए पहले हमको एक छोटा सा मतलब आपको फिगर लेना है अपने को, तो अपने को एक फिगर लेना है, तो मैं क्या करता हूँ एक फिगर ले लेता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग फिगर है। देखिए मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है, देखिए ये फिगर लिया, थोड़ा फिगर बड़ा इसलिए लिए क्योंकि देखिए यहां पे अपनी जरूरतें हैं, फिगर थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर जो है आपको ये वाई वाला होगा, और ये अपना जो होगा क्या होगा, एक्स होगा। अब देखिए अपने को ये जेड प्लेन की बात होगी, किसकी, पहले जेड प्लेन की, उसके बाद हम लोग किसकी बात करेंगे आपको डब्ल्यू प्लेन की। अगर जेड प्लेन की बात करें ना, तो फिगर थोड़ा सा आपको अच्छा ना दिखे तो फिर भी अच्छा दिखाना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से, तो सबसे पहले मैंने एक का किया यहां पर, ये अपना क्या है यहां पर, थोड़ा और ऊपर लेते हैं, जिससे कि ये पॉइंट, मैंने इस पॉइंट से का किया, पहले तो एक कर्व खींचा, ये कर्व हुआ, ले लेते एक कर्व, अरे यार देखिए अपन एक कर्व ले लिया। अब यहां पर अपन को क्या करना है, ये कर्व, उसके बाद ये तो सी टू लेते हैं, नहीं बिल्कुल पहले वाले में भी जो काम किए वही ले रहे हैं, और यहां से एक और लेंगे जो अपना होगा, कुछ ज्यादा हो गया क्या, रहन दीजिए, ये ले लिया। अब देखिए दो चीज यहां पर, मैं एक इसका, अच्छा इसका मैं बगल में बनाता हूं ना, तब काफी इंटरेस्टिंग होगा। वो देखिए यहां पर इस तरीके से लीजिए, थोड़ा बड़ा इसलिए बनाया ताकि दिक्कत ना हो आपको, मैं यहां पर एक ले लेता हूं, और यहां से अपन एक ये ले लिया, थोड़ा ज्यादा इधर उधर हो चुका, चलिए दिक्कत नहीं, पहले देख लीजिए फिगर एक्चुअल में है क्या। अब देखिए ये ले चुके अपन, इसे जो ये लेते हैं एक सिंपल से में हम पी जेड नॉट लिख सकते हैं। ओके, और इसे पी डैश डब्ल्यू लिखते थे ना, डब्ल्यू नॉट,
बिल्कुल, तो इसके लिए आपको दिक्कत नहीं लेना है। अब यहां पर अपने को जो है ये चीज आ चुका है पी और ये डब्ल्यू में आ चुका है, और यहां पर ये जेड प्लेन है और ये अपना क्या है डब्ल्यू प्लेन है। दो प्लेन अपना आ चुका है जो है फिगर की बात है भाई साहब, फिगर आपको इंपोर्टेंट है यहां पर, क्योंकि फिगर पे हम लोग अभी बहुत सारा काम करने वाले हैं, तो फिगर आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। और 7 नंबर का क्वेश्चन है तो आप, अरे यार ये भी एक्स और वाई में नहीं हो सकता ना, इसको जो है अपने को लेना यू और भी में, किसमें यू और भी में लेंगे। अब देखिए यू और भी में तो लेंगे ही, बिल्कुल लेंगे। अब यहां पर देखिए अगर अपने को क्वेश्चन के अनुसार अपने को क्या चाहिए, एंगल चाहिए, किसका एंगल की बात हो रही है यहां पर, एक्चुअल में अपने को एंगल ही निकालना और दिखाना दोनों एंगल आपस में क्या है बराबर है, अगर ऐसा ऐसा ऐसा। और एंगल निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए यहां पर, आपको एक छोटा सा चीज है टेंजेंट चाहिए, लेकिन यहां पे कोई टेंजेंट उनजेंट यहां पर डिस्कशन नहीं है, तो हम लोग लेंगे क्या लेते हैं, एक टेंजेंट लेते हैं। टेंजेंट मतलब पहले तो इसमें चिपकाएंगे, इसमें अगर चिपकेगा तो इसमें चिपकाकर एक टेंजेंट लेना है, तो ऐसा करते हैं और एक इसमें चिपकाकर, तो पहले लीजिए इसमें ओहो ये लीजिए, यहां से मैंने इसमें चिपकाकर एक टेंजेंट खींचा, क्लियर, और एक इसमें चिपका कर क्या करेंगे हम लोग टेंजेंट लेंगे, जो ये वाला जो कर्व होगा इसमें, तो ये थोड़ा सा ज्यादा ये टेढ़ा है ना, मुश्किल हो जाएगा कहीं, तो मैं यहां से ओ हो यस देखिए, तो ये चीज है अपना, और यहां पर अपन क्या करेंगे ये चीज यहां से इसमें क्या करेंगे हम लोग ए यस, कुछ ज्यादा हो गया क्या, चलिए डोंट वरी। और यहां से अपन क्या करते ये आपको डॉट डॉट रेखा दिखाते, इसलिए इसलिए देखिए यहां पर जो है ये अपना जेड नोट है, ये अपना C2 है, ये C1 है, अगर इस पॉइंट की बात कर ले तो इसको ले लेते हैं, अच्छा जेड वाला टर्म है तो ये आपका Z2 ले लेते हैं क्योंकि C2 के लिए काम कर रहा है, और ये अपना Z1 ले लेते हैं, और इसकी बात कर ले तो ये क्या है अपना टेंजेंट है और ये पहला टेंजेंट, ये तो C1 के लिए तो T1 और ये T2 नाम दे दिए, कोई दिक्कत नहीं टेंजेंट के लिए। ओके तो अगर एंगल की बात कर ले तो एंगल, इसमें एंगल क्या लेंगे, देखिए 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 ये एंगल है अपना अल्फा, ओके और अच्छा α1 दे देते क्योंकि दो एंगल हो जाएगा यहां पर, मैं यहां पर इसको α1 कर दिया, दिख नहीं रहा है क्या हाँ। और ये टोटल एंगल जो होगा ये अपना α2, इसका एंगल मैं यहां पर लिख देता हूं α2, बाहर क्यों लिखा, अंदर ही काम हो जाएगा, α2 लिख देता हूं। ओके ये क्या है α2 है ये सब तो ठीक है, अपने को जो एंगल चाहिए ये जो है ये और ये, इन दोनों के जो बीच का जो एंगल आपको निकल कर आया ये एंगल चाहिए अपने को, ये तो टोटल एंगल α2 है ना, ये एंगल, तो बताइए मुझे, मेरे पास ये α2 एंगल है, ये α1 है, ये एंगल कैसे निकलेगा, तो ये सिंपल सी चीज है, ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे ये α2 - α1, तो ये एंगल प्राप्त होगा, और यही दिखाना, ये वाला जो एंगल है ना और इसमें जो एंगल बनेगा वो दोनों आपको इक्वल हो जाएगा, इस तरीके से दिखाना है। अब इसका फिगर जो है इसका यहां पर भी अपने को काम करना है, तो मैं इसके लिए भी काम कर लेता हूं, देखिए इसके लिए अपन क्या करेंगे एक छोटा सा काम करेंगे, सबसे पहले इसमें एक ट्रेन, पहले तो मैं एक ये ले लेता हूं यस, अब देखिए इसमें एक टेंजेंट खींचेंगे और ये टेंजेंट होगा, इस पर एक टेंजेंट खींचा गया और यहां पर जो है इस पॉइंट से जो है एक इसमें टेंजेंट खिंचाएगा, देखिए मैं इसका नाम कर दूं T2 और ये T1 टेंजेंट है, गड़बड़ा गया क्या मामला यहां पे, ये इसमें चिपक कर जाना चाहिए यस T2 T1, चलिए दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं इसकी बात कर लूं तो यहां पर जो एंगल बनेगा अपना यस ओह ये यस ओके अब देखिए थोड़ा सा मामला गड़बड़ा गया था, ये α1 जो है ना एक्चुअल में α1 में आपको जो है
देखिए एक्चुअल में ये तो एंगल तो अपने को पता है ना, यहाँ पर जो एंगल होगा इस एंगल की बात करते हैं, ये अपना अल्फा वन है, ओके। और ये आपको ये चीज है, यहां पर जो लेंगे ये अपना अल्फा वन लेंगे। इन दोनों में कुछ अलग करने के लिए मैं इसको अल्फा वन प्लस का कुछ और नाम दे दूं, थीटा दे दूं, थीटा नोट दे देता हूं, कोई दिक्कत नहीं इसके लिए। और इसकी बात कर लेता हूं तो ये वाला एंगल को तो अपने चाहिए ना, बिल्कुल। अगर ये टोटल एंगल की यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं तो ये इसका एक नाम दे देते हैं, इस एंगल का नाम जो है अपना अल्फा टू देते, थीटा नोट देते, दोनों में चेंजिंग हो गया, दोनों अलग अलग बन गया, ओके। अब देखिए इस बीच वाले एंगल की बात करेंगे तो हम लोग अल्फा टू प्लस का थीटा नोट माइनस का अल्फा वन माइनस का थीटा नोट ये दोनों कैंसिल, अल्फा टू माइनस का अल्फा वन, यही अपने को दिखाना है। ये जो एंगल जो है ना, ये वाला ये एंगल क्या होगा आपको एक दूसरे के इक्वल है। तो देखिए दोनों एंगल आपको सेम दिखाना है यहां पर, ओके। ये टी वन है, ये टी टू है, ये आपका सी टू डैश है, ये आपको सी वन क्या है डैश है। तो देखिए यहां पर अपन ले चुके हैं ये चीज, और अपने को यहां पर दिखाना है क्या चीज वो। अच्छा एक चीज है, ये तो आपने कर लिया लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी काम करने चीज है करना, ये जो फिगर जो हम लोग ड्रॉ किए इस फिगर के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। 7 नंबर में पूछ रहा आपको तो काम तो इतना करना पड़ेगा। तो देखिए फिगर के बारे में क्या लिखना, जो हम लिखे ना ये फिगर बस उसी को हम यहाँ पे मेंशन करने वाले। देखिए आप फिगर को ध्यान से देखिएगा और आपका काम बन जाएगा, इसको याद वाद नहीं करना है। देखिए फिगर देख के हम लोग काम कर सकते हैं, ओके। देखिए ये चीज है, हम फिगर देख के इसका काम कर सकते हैं ऐसे। यहां देखिए यहां पर से अपना लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट मान लिया कि ये जो जेड नॉट है यही ना, बी एन इन इंटीरियर एंगल या इंटीरियर पॉइंट एंगल नहीं, अल्फा वन एंगल है ना, पॉइंट ऑफ द रीजन डी, ओके। एंड यहां पर अपन ले लेते लेट, यहां पर आपको C1 क्या चीज C1 एंड C2, देखिए ये C1 है ये C2 है, बी टू कंटिन्यूअस कर्व पासिंग थ्रू जेड नॉट आल्सो लेट दीज कर्व्स हैविंग टेंजेंट एट जेड नॉट मैक्स एन एंगल मैक्स एन एंगल अल्फा वन एंड अल्फा टू विद द रियल एक्सेस लेट जेड वन एंड जेड टू बी पॉइंट्स ऑन द कर्व एंड सी टू एट सेम डिस्टेंस आर फ्रॉम द पॉइंट जेड नॉट। देखिए अपन यहां पर कुछ काम किया, ये जो फिगर देखकर देखिए क्या लिखा, लेट जेड नॉट बी एक इंटीरियर पॉइंट है ऑफ द रीजन डी, किसके लिए, एक रीजन डी के लिए। अपन को रीजन डी पहले भी मेंशन किया हुआ था यहां पर, किसके लिए, रीजन डी के लिए। अब यहां पर रीजन डी देन कहता है और C1 और C2, ये C1 और C2 जो है कंटिन्यूअस कर्व है, क्या बोलते हैं, ये कंटिन्यूअस कर्व पासिंग थ्रू द जेड नोट, कहां से, जेड नोट से, ये कंटिन्यूअस है, बिल्कुल है। अब देखिए आल्सो लेट दीज कर्व हैविंग टेंजेंट, ये रखता है जेड नोट मैक्स एंड एंगल जो बनाता अल्फा वन और अल्फा टू, यहां पर देखिए अल्फा वन और ये अपना अल्फा टू। अब यहां पर ये चीज जो है अल्फा वन अल्फा टू तो हो चुका है,
अब यहां पर आपको जो है, अच्छा ये एंगल टोटल बनाएगा, बिल्कुल टोटल एंगल है ये। अब यहां पर अल्फा वन एंड अल्फा टू, उसके बाद विद द रियल एक्सिस, क्या बोल रहे हैं यहां पर, विद द रियल एक्सिस। फिर यहां पर अब इसके लिए जेड वन और जेड टू बी पॉइंट ऑन द कर्व, क्या बोल दिया, जेड वन और जेड टू। अब इस वाली की बात करेंगे, ये जेड वन है, ये जेड टू है, और इसका भी अगर हम नाम देना चाहे तो ये भी नाम दे सकते हैं। ये अपना क्या होगा, डब्ल्यू टू, और ये अपना क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वन हो जाएगा। अब देखिए तो यहां पर कहता है ये जेड वन और जेड टू बी पॉइंट ऑन द कर्व सी वन और सी टू एट सेम डिस्टेंस आर पे, किस पर, एक आर, ये स्मॉल वाला आर है, ओके, फ्रॉम द पॉइंट जेड नोट। अब हम लोग को यहां पर क्या करना है, छोटा सा काम करना है जो जेड जेड वन माइनस जेड नोट पर। तो ये छोटा सा क्या था आपका, फिगर था, और ये फिगर इंपोर्टेंट है। वैसे हम आपको फिगर आपको दिखा चुके हैं, आप जैसा फोटो में फिगर देखे वैसा भी बना सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी बनाइए, एंगल आप ये भी ले सकते हैं और उसमें जो दिया गया वैसा भी एंगल ले सकते हैं, ओके, तो जैसी आपकी इच्छा। तो चलिए आगे हम लोग इसमें क्या करते हैं, आपको आपको एक लेट कर लेना है, जेड वन माइनस का जेड नॉट इक्वल टू का आर इंटू कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन। ये क्या कर चुके अपन, एक लेट की, एक्चुअली यहां ये चीज की बात कर ले तो आप लोग आयलर थ्योरम में ये चीज जानते होंगे, आयलर थ्योरम जो है, तो आप इसे ऐसा भी लिख सकते आर इंटू ई का पावर आयोटा थीटा वन, मतलब थीटा वन में तो थीटा वन है। और हम अगर बात कर लू जेड टू माइनस जेड नॉट की बात कर लू तो इसे भी आप दिखा सकते हैं ऐसा, कॉस थीटा टू प्लस आयोटा साइन थीटा टू दिखा सकते हैं, और ये आपका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, आर इंटू ई का पावर में आयोटा थीटा टू। अब देखिए ये चीज तो अपना बन चुका है, अब आपको यहां पर एक छोटा सा काम करना, क्या करना, देखिए अगर आपको जो, अच्छा ये जेड जेड वन और जेड टू तो हो चुका, आप यहां पर एक बात बताइए, एक चीज है, हमने यहां पर एक आर मेंशन किया था, नहीं आर आपको क्या बोला गया, जेड वन और जेड टू जो पॉइंट है सी वन और सी टू एट द सेम डिस्टेंस पर, क्या आपको आर आर लिए थे। अब यहां पर मैं ये कहता हूं जो ये आर है, अगर आपको ये आर टेंस टू जीरो हो जाए, मैंने बोला आर टेंस टू अगर जीरो हो जाता है तो ये जो आपका यहां पर से जो आपका ये होगा क्या चीज, थीटा वन हमने लिया, थीटा टू अपन लिया, ये क्या होगा, थीटा वन और थीटा वन जो होगा वो अल्फा वन के बराबर होगा, एंड अगर थीटा टू की बात करें वो आपको अल्फा टू के बराबर होगा। अब देखिए यहां पर ये जो अपना आर जब टेंस टू जीरो हो जाए, एक्चुअल में यहां पर जो है ना ये वाला, अगर मैं पॉइंट की बात कर लू ना, जैसे ये जेड वन है, ये टेंजेंट है, ये और इसमें भी ये तो डब्ल्यू पॉइंट है, ये मतलब आपको क्या है, डब्ल्यू प्लेन है। अच्छा इसको हम कुछ चेंज कर देते हैं, दोनों अलग दिखेगा। अब देखिए यहां पर ये टी टू और ये टी वन, अगर मैं बात कर लू इसको अपने पास लिया, अच्छा एक चीज है, आप ऐसा जैसे कैसे डिफरेंशियल कैलकुलेशन में भी आप ये सब पढ़े होंगे, ये पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग कोड ऑफ कर्वेचर में भी, कोड को हमने क्या करते हैं, यहां से अगर उठा कर लिया तो ये कोई पी पॉइंट है, तो क्या होता है ये आपको, इस पर तो एक टेंजेंट तो रहता है, ये टेंजेंट वैसा है, यहां पर भी अगर मैं इस पॉइंट वाले को हमें यहां पर लाकर बात कर रहे हैं तो आपको यहां पर थीटा वन जो होगा अल्फा वन एंड थीटा टू जो होगा अल्फा टू होगा, ओके। तो आपको यहां पर एक और काम कर लेना है कि ये जेड वन और जेड नोट में लिया, अब हम लोग डब्ल्यू प्लेन भी है यहां पर मेंशन है, तो डब्ल्यू नोट मतलब डब्ल्यू वन डब्ल्यू नोट के लिए ले लेंगे। तो यहां पर देखिए इसके लिए आर इंटू ई का पावर आयोटा थीटा वन है, तो हम यहां पर आर की जगह पर एक दूसरा नाम दे देता, लेमडा लेमडा या आपको डेल्टा या फिर पी क्यू जो दे दीजिए। तो यहां पर हम ऐसा करते हैं ना, ये सिंपल सा मैं यहां पर पी वन नाम दे दिया, ओके, और यहां पर आपको ये जो ई का पावर आयोटा थीटा, मैं यहां पर ई का पावर आयोटा थीटा ना लेकर फाई ले लिया, क्या ले लिया, फाई, ताकि दोनों में अंतर हो कुछ ना कुछ, अगर अंतर नहीं होगा तो फिर कैसे समझ में आएगा। देखिए ये डब्ल्यू टू माइनस का डब्ल्यू नोट अपन ले लिया, ये जो है आपको पी टू ई का पावर आयोटा फाई टू, ओके अब यहां पर हो चुका है। अगर मैं इसका स्टेटमेंट की बात कर लूं, ये स्टेटमेंट मैं बोल चुका हूं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन के तौर पर भी पूछ सकता है। यहां पर स्टेटमेंट कहता है ये एनालिटिक है, ये बोल दिया भैया ये एनालिटिक है, और अगर कोई एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल होगा, ये आपको पता है, क्योंकि आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको पता है इज एनालिटिक। अगर ये एनालिटिक है तो ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, मतलब फंक्शन को एग्जिस्ट करेगा, कौन फंक्शन को, एफ डैश जेड को क्या करेगा, ये एग्जिस्ट करेगा, और ये काफी आप पढ़ चुके हैं इसमें कंप्लेक्स एनालिसिस में, राइट। तो देखिए मैं एफ डैश जेड के अगर मैं बात कर लू तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट लिमिट, ये अगर जेड वन जेड वन टेंस टू जेड नॉट, मैंने पहले लिया जेड वन टेंस टू जेड नॉट के लिए, ओके, जेड वन टेंस टू जेड नॉट पे, तो इसके लिए जो अपना काम करेंगे वो करेंगे हम लोग एफ ऑफ जेड वन माइनस का एफ ऑफ जेड नॉट
अब देखिए ये कैसे आया तो इसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं, जेड वन माइनस का जेड नॉट। एक्चुअल में आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, ऐसा ऐसा अगर ये लिमिट जेड टेंड्स टू, अगर यहाँ ए होता है तो ए, लेकिन अपना तो जेड नॉट है। एफ ऑफ जेड माइनस का यहाँ पर फंक्शन ऑफ ए, और यहाँ पर आपको जेड माइनस का होता ना, ये वाला फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसी का फॉर्मूला, इसी का भाई होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यही से निकलता है ये फॉर्मूला, ये माइनस का एफ ऑफ एक्स। ओके, तो ये चीज, तो आप यहां पर जो है हमने इस्तेमाल किया इसका, लेकिन अपने में जेड नॉट में था, तो ये चीज है, ये फंक्शन ऑफ जेड वन है और ये आपको फंक्शन ऑफ जेड नॉट है, ये जेड वन माइनस का जेड, और ये फंक्शन ऑफ जेड वन, ये फंक्शन ऑफ जेड वन की अगर मैं बात कर लूं तो ये अपना काम करेगा ये डब्ल्यू में, मतलब आपको जेड वन माइनस का जेड वन टेंड्स टू जीरो, और यहां पर आपको लिख सकते हैं डब्ल्यू वन और माइनस का डब्ल्यू नॉट, और ये जेड वन माइनस का जेड नोट। एक्चुअल में ये डब्ल्यू वन और डब्ल्यू नोट में हमने लिया है इसको। अब देखिए डब्ल्यू वन और डब्ल्यू नोट का वैल्यू जो है ये है, पी वन ई का पावर जो है हमने यहां पर लिख दिया, पी वन ई का पावर आयोटा फाइव वन। अब नीचे जेड वन माइनस जेड नॉट का वैल्यू, जेड वन माइनस जेड नॉट का वैल्यू, जेड वन माइनस जेड नॉट का वैल्यू आर इंटू ई का पावर आयोटा थीटा वन। मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं आर इंटू ई का पावर आयोटा थीटा वन। अब यहां पर लिमिट है, अब देखिए लिमिट हम यहां पर, अब क्या लगा भाई, यहां पर तो जेड जेड वन जेड नोट में था तो यहां पर था, बट यहां पर तो लिमिट आपको फाई वन है, थीटा वन है, दोनों अलग अलग चेंज है और हमें पता भी नहीं लिमिट क्या है, तो यहां पर लिमिट को आप यहीं पे ऐसा ही एज इट इज रहने दीजिए। ओके, इसके लिए दिक्कत नहीं है, आप यहां पर किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं, आप लिमिट को हम यहीं पर क्या करते हैं रहने देते हैं, अगर क्योंकि लिमिट पता नहीं है ना, जैसे फाई वन क्या है, फाई टू है, ये थीटा वन है, तो ये आपको मालूम है कितना इसका लिमिट है तो नहीं मालूम है, अब जब क्वेश्चन की जरूरत के अनुसार होगा तो वहां पर काम चल जाएगा। तो देखिए आपको यहां पर क्या कर लेना है, ये तो हो चुका, अपना काम हो चुका है, आप इसे चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट पी वन बट्टा का आर, और ये वाला पार्ट है ना, इसका आयोटा कॉमन लेने के बाद ये थीटा वन है, ओह पहले तो फाइव वन है तो फाइव वन दे देते हैं, मतलब आपको ये फाइव वन है, ये तो फाइव वन से थीटा वन लिखा रहा है ऐसा, ये अपना फाइव वन है, ये माइनस का थीटा वन है, आयोटा बाहर है। ओके, तो चलिए अब आपको यहां पर क्या करना है, एक अच्छा ये चीज तो हो ही चुका है, एफ डैश जेड, अब हम लोग किस में ले लें, जेड जेड वन जेड नॉट में, अब जेड टू के लिए भी लेंगे ना, मैंने दो चीज लिया था यहां पर, देखिए एक जेड वन जेड नॉट, जेड टू जेड नॉट, अब इसके लिए ले लेते हैं आप, एंड आल्सो हम लोग काम कर लेते हैं एफ डैश जेड, आपको ये ले लेंगे लिमिट जेड टू जेड नॉट, इसके लिए क्या हो जाएगा, यहां पे डब्ल्यू टू हो जाएगा, डब्ल्यू नॉट हो जाएगा, सेम प्रोसेस है भाई, सब प्रोसेस सेम है। हाँ, अब यहां पर जो जैसे मेंशन किया ना डब्ल्यू वन ये चीज, तो यहां पर भी वही चीज मेंशन करके डब्ल्यू टू डब्ल्यू नॉट, ओके ना, टू में तो टू में, अब यहां पर ये चीज है, ये लिमिट आप, ये जेड नॉट लिमिट आपको जो है यहां पर, अच्छा इसका भी लिमिट आप यहां पे मत लिखिए, क्योंकि डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू नॉट का हम वैल्यू रखेंगे, तो ये पी टू में ई का पावर आयोटा फाइव टू है, वैल्यू है यहां पर निकाल चुके अपन, ये चीज तो मेंशन कर दिया यहां पर जेड टू, तो ये भी आपको टू में आ जाएगा, मतलब आर इंटू का पावर आयोटा थीटा टू है ये। अब देखिए अपने पास जो ये वाला पार्ट है, अब इसमें आप ऐसा करिए, ये लिमिट तो अपने को पता ही नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, पी टू बट्टा का आर और यहां पर आयोटा ये फाइव टू माइनस का थीटा टू रहने दीजिए, इसको इसको होल्डिंग डाउन करिए यहां पर। अब मैं बात कर लेता हूं, अब चलिए और भी क्वेश्चन में कुछ कह रहा था, अगर क्वेश्चन की बात कर ले, जेड प्लेन में आपको तो एफ डैश जेड आपको नॉट इक्वल टू जीरो है, देन आपको ये मैपिंग, मतलब आपको कन्फॉर्मल, अब देखिए अपने को तो कन्फॉर्मल लाना है, मतलब आपको दिखाना है यहां पर, देखिए मैं अब हम लोग क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, क्योंकि एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू जीरो, मैं यहां से नाउ लगा देते हैं, अब यहां पर आपको जो है ये आपको बोल दिया एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को जो है हम यहां पर आपको एक छोटा सा काम कर लेते, बोल देते एफ डैश जेड इक्वल टू, देखिए अपने को एफ डैश जेड की बात कर लेना, मतलब जेड वन वाले में, तो यहां पर रिजल्टेंट जो है ये पी वन ऐसा वैसा आया हुआ, एक इसका आप एक नाम देकर, यहां पर इसका नाम देकर मैंने बोल दिया भैया ये आर है और यहां पर ये टोटल आर, ओके ये ई का पावर फाइव वन है, मतलब जो भी है ये चीज फाइव वन माइनस का थीटा वन है, मैंने इन्हें कर दिया आपको थीटा नोट, आयोटा थीटा थीटा नोट, ये चीज ई के पावर में, ये ई के पावर में चल रहा है तो ई के पावर में फाइव वन माइनस का थीटा वन, फाइव वन माइनस का थीटा वन। ओके, अब यहां पर अच्छा ये आर जो है कहां है, तो मैं एक्चुअली में आर जो है आपको ये गुना में,
ठीक है, तो इतना सारा जो चीज था उसे आपने आर इंटू ई का पावर आयोटा थीटा नोट में ले लिया। अगर मैं बात कर लूं इसका, तो ये जो वैल्यू अभी जिसका रखे वो वापस से वही वैल्यू पुट करिए यहां पर लिमिट। आपको यहां पर तो लिमिट तो एक मालूम ही नहीं है, तो पी वन बट्टा का आर और एफ डेजेड का वैल्यू यहां पर देखिए यही वैल्यू है, तो पुट कर दीजिए यहां पर ई का पावर आयोटा फाइव वन माइनस का थीटा वन बराबर का आर इंटू ई का पावर आयोटा थीटा नोट। ये तो अपना हो चुका लिमिट। अब मैं आपको बात कर लूं, अब यहां पर जो है ये ई का पावर, पावर की बात कर रहे हैं, और ये आयोटा का ई के पावर में आयोटा, दोनों में आयोटा है। मैं इसके जो पावर पे क्या करता है ये वैल्यू डिपेंड कर रहा है यहां पर। ओके, तो मैं ऐसा करता हूं, इनके पावर वाला जो पार्ट है इन दोनों को क्या करते हैं, इस वाले पावर के साथ हम बराबर कर देते हैं। लिमिट में है तो आप लिमिट यहां पर लगा दीजिए, तो लिमिट लगा दिए तो ब्रेकेट डाल दिए। ओके, अब आपको यहां पर से एक रिजल्टेंट आएगा, वो लिमिट आपको देखिए, ये फाइव वन है, ये थीटा वन है। मैं इसे ऐसा नहीं लिख सकते क्या, फाइव वन माइनस का लिमिट थीटा वन, दोनों को अलग कर दिया गया बराबर का थीटा नोट। आप यहां पर से एक और छोटा सा काम कर सकते हैं, ये फाइव वन जो है ना इसको अपने पास रखिए, ये फाइव वन बराबर का थीटा नोट और ये प्लस का लिमिट थीटा वन। अब अपने को क्या यहां से रिजल्टेंट आएगा, देखिए, तो ये थीटा नोट है और ये अपना अल्फा वन है। कैसे, तो मैं आपको बात कर लूं, ये लिमिट आपको थीटा वन, देखिए हम लोग यहां पर जो है आपको देखेंगे, यहां पर छोटा सा चीज है, यहां पर जेड वन मैंने बोला यहां उठा के लाए कि यहां पर आपको लिमिट जो हमने लिया अल्फा टू लिया अल्फा वन लिया। ओके, अल्फा वन अल्फा टू थीटा वन हम लोग यहां से मेंशन किए जब ये पोलर फॉर्म में हम लोग कन्वर्टेड किए, तो अपने एक ले लिया थीटा वन ले लिया और ये थीटा टू लिया। एक्चुअल में ये थीटा वन हम लोग अल्फा वन जैसे काम कर रहा है वैसे यहां पर थीटा वन है, जो जेड वन माइनस जेड नॉट है। ओके, तो यहां पर हम लोग मेंशन करेंगे, यहां पर देख लीजिए ये जो ये पार्ट है ये लिमिट थीटा वन है, जिसके जगह पर हम लोग मेंशन करेंगे अल्फा वन। अब देखिए आप यहां पर एक चीज है, ये आपको लिमिट फाइव वन का वैल्यू आ गया। आप यहां पर सेम सेम आप ऐसा कर सकते हैं, सेम मतलब सिमिलरली, आप यहां पर से लिख दीजिए सिमिलरली, ये जो लिमिट आपका जो है फाइव टू की बात कर ले तो वो भी टोटल प्रोसेस करेंगे, तो ऐसा ही कुछ ना कुछ आएगा जिसका आपको रूप होगा अल्फा टू के साथ। ओके, तो ये चीज है, ये अपना यहां पर क्या किया गया, मेंशन किया गया थीटा नोट प्लस का अल्फा टू। अब देखिए हमको कहता है एंगल, अब एंगल 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 क्वेश्चन में कहता है आपको कन्फॉर्मल दिखाना है। देखिए ना स्टेटमेंट में क्या बोला था आपको, मैपिंग W बराबर में F ऑफ Z इज कन्फॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ D इज कन्फॉर्मल। तो देखिए कन्फॉर्मल के लिए अपने को काम करना है, तो इसके लिए अपने को देखिए क्या कर लेते हैं हम लोग यहां से, एंगल कन्फॉर्मल के लिए अपने को क्या करना है, ये जो एंगल जो है, एंगल दोनों एंगल की बात करेंगे, दोनों ये जब डब्ल्यू प्लेन और जेड प्लेन दोनों के लिए। ओके, तो हम यहां पर एंगल बिटवीन द कर्व, एंगल बिटवीन द कर्व्स इन डब्ल्यू प्लेन। अब चलिए मैं अब यहां पर डब्ल्यू प्लेन का जो बात करेंगे, यहां पर जैसे देखिए अपना डब्ल्यू प्लेन, तो पहले देख लेते क्या है, ये अपना W प्लेन है। हम यहां पर बात करेंगे आपको इसके एंगल की बात करेंगे, ये अल्फा टू माइनस का अल्फा वन निकाला, मतलब इसको कैसे 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 ये आपको अल्फा वन में से ये वाला पार्ट को घटा दिया गया, ये टोटल एंगल है, ये एक्चुअली में ये एंगल है ना, ये टोटल एंगल है और ये आपको नॉर्मल एंगल है, मतलब ये छोटा वाला एंगल इसके लिए होता है। ओके, यहां पर भी ये टोटल एंगल है, तो अब यहां पर मैं बात कर लेता हूं ये वाला अपने को एंगल चाहिए। यहां पर से हमने दो वैल्यू अपने को प्राप्त किया, यहां यही से कॉन्फॉर्मल की पता करेंगे कॉन्फॉर्मल कैसा है। तो यहां पर अगर मैं बात कर लूं ये वाले पार्ट में, ये मैंने दो वैल्यू है ये अपने पास है, इन दोनों की मदद से अपन काम कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं बोल दू इसको, अच्छा डब्ल्यू प्लेन के लिए बराबर में हम कर देता हूं, यहां पर ये थीटा वन है ये थीटा टू है, सॉरी फाइव वन है फाइव टू है। मैं क्या करता हूं यहां पर फाइव टू माइनस का फाइव वन करते, क्या करते फाइव टू माइनस का लिमिट फाइव टू माइनस का लिमिट फाइव वन। ओके, ये चीज है। अब देखिए फाइव टू के लिए जो वैल्यू है वो अपना थीटा नोट है और ये अल्फा टू है, माइनस का लिमिट फाइव वन के लिए जो वैल्यू है वो ये थीटा नोट है और यहां पर अल्फा वन है।
दोनों वाले पुट कर दिया, मतलब यहां पर अल्फा टू माइनस का अल्फा वन। वापस से हमने दिखाया कि जो एंगल है ये एक्चुअली में पहले देखेंगे तो ये आपको जेड प्लेन में होगा, जेड प्लेन के लिए। ओके, तो यहां पर हमने दिखा दिया ये एंगल जो आया डब्ल्यू के लिए काम किए, मतलब जेड वाले में आया, मतलब किस में जेड प्लेन में। ओके, डब्ल्यू प्लेन के लिए काम किया, जेड में आया, जेड प्लेन में। तो आप यहां पर इसको ये कह सकते हैं जो एंगल जो है आपका, एंगल बिटवीन द कर्व, जो कर्व है इन जेड प्लेन का, किसका, जेड प्लेन, जेड प्लेन। ओके, तो यह हमने देख लिया कि ये अल्फा टू माइनस अल्फा वन और ये इसका भी जेड प्लेन में यही चीज है, दोनों एंगल क्या आपको बराबर है, तो हम बोल सकते हैं ये क्या आपको कन्फॉर्मल है। हेंस ये मैपिंग जो है, मैपिंग अपना क्या है, मैपिंग डब्ल्यू बराबर में एफ ऑफ जेड इज कन्फॉर्मल। दोनों एंगल अपन बराबर कर दिया, इसका मतलब ये आपको क्या हो चुका, कन्फॉर्मल है। तो यही आपका क्या था, आपका छोटा मोटा, आपको छोटा मोटा नहीं मतलब अच्छा सा आपको ये थ्योरम था, ये अपना थ्योरम फर्स्ट है। अभी इसमें हम लोग एक और थ्योरम देखेंगे, थ्योरम क्या अपना फर्स्ट थ्योरम था, अब हम लोग थ्योरम टू देखेंगे। और थ्योरम टू क्या होगा आप समझ रहे होंगे, वो नेसेसरी के लिए होगा, ये आपको सफिशियंट के लिए, वो नेसेसरी के लिए, काफी इंपोर्टेंट है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, डायरेक्ट आपका स्टेटमेंट पूछ दे, या फिर ये तो बहुत कम पूछता है ये वाला, मतलब स्टेट और प्रूफ सफिशियंट, डायरेक्ट आपको ये स्टेटमेंट पूछेगा क्वेश्चन के तौर पे स्टेटमेंट, तो आपको पूरा ही काम करना है। ओके, चलिए, अगर आपको कहीं पर छोटा मोटा, अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हुआ हो तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं लेना है, आपको 2-4 मरतब प्रैक्टिस करना है, यह आपको बन जाएगा। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हैं यहाँ पर जो आपको डायरेक्ट आपको कहीं ना कहीं से यूज कर लिया गया है, क्योंकि थ्योरम को आपको प्रूफ करना है तो कुछ ना कुछ आपको नया चीज भी आपको देखने को मिल जाता है, और कुछ आपको नया चीज यहाँ पर काम किया जाता है। आज के लिए इतना ही रहने देते, मिलते हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।